Hello students, today I am going to start the first lecture of a new chapter, that is separation of substances into group. So let's start from the introduction of this chapter, that what is the separation of substances into the group. Kise kehte hai? Introduction. There are many instances when we notice a substance being separated from a mixture or material. हमने बहुत बार ये नोटिस किया होगा कि सब्सटेंस जो है मिक्सचर में से बहुत सारी चीज़ें आपस में मिक्स होती हैं, तो हम उन्हें क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। कैसे अलग अलग करते हैं? सॉलिड को अलग करने का क्या मेथड है, लिक्विड को अलग करने का क्या मेथड है, यही हम इस चैप्टर में एक एक करके पढ़ेंगे। टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी। आपने देखा ना, जब चाय बन जाता है तो चाय बनने के बाद चाय की पत्ती को हम एक स्ट्रेनर से, छन्नी से क्या करते हैं, छान देते हैं, जिससे जो हमारा डिज़ायर्ड चीज़ है, जो चाय की ज़रूरत है वो अलग, और जो टी लीव्स हैं जिनकी हमें अब ज़रूरत नहीं है वो अलग हो जाते हैं। ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टार्क्स वाइल हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मीन्स कटाई के बाद जो स्टार्क होता है, जो उनके स्टेम होते हैं, सूखी पत्तियाँ होती हैं, उनके हस्क होते हैं, उन्हें क्या करते हैं, हम ग्रेन से मीन्स अनाज से अलग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अनाज की ज़रूरत होती है। मिल्क और कर्ड इज चर्नर चर्न टू सेपरेट द बटर। और दूध को या दही को हम क्या करते हैं, चर्नर की मदद से उसमें से जो बटर है और या घी है उसे अलग कर देते हैं। तो ये क्या है, कई चीज़ें एक साथ हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं अपने अलग अलग यूज़ के लिए। यही कौन सा चीज़ किस से सेपरेट किया जाता है, किस मेथड से, यही हम इस चैप्टर में ब्रीफली पढ़ेंगे। बिफोर वी यूज़ अ सब्सटेंस वी नीड टू सेपरेट harmful or non-useful substances that may be mixed with it. Before we use a substance, use करने से पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हें अलग कर देते हैं, जो यूज़फुल नहीं है उन्हें हटा देते हैं। तो इसीलिए कोई भी चीज़ देखिए, हम खाना बनाते हैं तो सबसे पहले दाल चावल को क्या करते हैं, भीन लेते हैं, या हमने खाना बनाया हमें पहले उसे अपने अनाज को धो लेते हैं, या फसल की कटाई होती है तो पहले ग्रेन्स में से यूज़फुल चीज़ ग्रेन्स अलग कर लेते हैं, जो यूज़फुल नहीं है उन्हें अलग कर लेते हैं। क्यों? अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को हम अलग करते हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं होती उन्हें हटा देते हैं। समटाइम वी सेपरेट इवन यूज़फुल कंपोनेंट्स इफ़ वी नीड टू यूज़ देम सेपरेटली। और कभी कभी हम यूज़फुल चीज़ों को भी अलग कर देते हैं अगर हमें उन्हें अलग से कुछ अलग यूज़ करना होता है। द सब्सटेंसेज टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज और दीज मे बी सॉलिड लिक्विड इवन गैसेज। जो हम अलग करते हैं वो साइज़ के बेसिस पे भी अलग कर सकते हैं, या कभी कभी सॉलिड लिक्विड और गैसेज को भी अलग करते हैं उनकी ज़रूरत के, अलग अलग ज़रूरत के आधार पर। सो फर्स्ट इज़ मेथड ऑफ सेपरेशन। कौन कौन से मेथड हैं? सबसे पहला मेथड है हैंड पिकिंग। देखिए, ये हैंड पिकिंग आप सबने अपने घरों में देखा होगा कि जब भी हम खाना बनाते हैं तो पहले क्या करते हैं, राइस में से, पल्सेस में से जो छोटे छोटे से कंकड़ हैं, पेबल्स हैं, स्मॉल पीसेस ऑफ सैंड और सॉयल हैं, उन्हें क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। ठीक है, दैट इज़ नोन एज अ हैंड पिकिंग। तो ये हैंड पिकिंग किस में पॉसिबल है, जब सॉलिड चीज़ में सॉलिड मिला होता है तो पॉसिबल है, हम इसे हैंड पिक कर लेते हैं। लेकिन अगर पानी और चावल आपस में मिक्स है तो क्या हम हाथ से अलग कर सकते हैं? नहीं, देन इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये सॉलिड में पॉसिबल है। व्हाट इज़ हैंड पिकिंग, लेट्स सी। द मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज लाइक द पीसेज ऑफ डर्ट, स्टोन एंड हस्क फ्रॉम व्हीट, राइस और पल्सेस। स्लाइटली मीन्स अनाज से थोड़े छोटे या थोड़े डिफरेंट टाइप के जो हस्क हैं या भूसा है या स्टोन के टुकड़े हैं या इस डर्ट के पार्टिकल हैं, उन्हें हम अलग करते हैं। द क्वालिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज़ यूजअली नॉट वेरी लार्ज। इन सच सिचुएशन वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज़ अ कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेज। ऐसा नहीं है कि एक किलो चावल है तो उसमें एक किलो कंकड़ मिला होता है। जो हमारा मेन ग्रेन है, जो हमारा मेन सब्सटेंस है, उसमें जो इम्प्योरिटीज़ है वो बहुत लिटिल अमाउंट में होती है, और इसीलिए उन्हें हाथ से चुन के अलग करना, सेपरेट करना ईजी होता है, तो हम उसे हाथ से अलग कर देते हैं। दैट इज़ नोन एज द हैंड पिकिंग। नेक्स्ट इज थ्रेशिंग। थ्रेशिंग किसे कहते हैं? देखिए, द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक इज कॉल्ड थ्रेशिंग। ग्रेन्स के साथ जो स्टॉक्स मिला होता है उसे हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं वो किसी वुडन प्लैंक से, नहीं तो अब ट्रैक्टर्स में पीछे एक भारी सा थ्रेशर लगा होता है, उसे पूरे अनाज को एक साथ दबाते हैं
और जो उनमें अनवांटेड चीज़ें होती हैं, जो सूखे हुए स्टैक है, लीव्स है, वो सब अलग हो जाते हैं और अनाज अलग हो जाता है, जिससे हमें अनवांटेड चीज़ों को सेपरेट करने में आसानी होती है। इन दिस प्रोसेस द स्टैक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। समटाइम थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स, बैल की मदद से भी होता है, बुलक कार्ट्स की मदद से। मशीन्स आर ऑल्सो यूज टू थ्रेश लार्जर क्वान्टिटी ऑफ ग्रेन। नाउ अडेज आजकल तो सब जगह मशीन यूज़ होता है, ट्रैक्टर में पीछे कंबाइनर के साथ थ्रेशर भी लगा होता है और वो अनाज को हार्वेस्टिंग के बाद अच्छे से दबाते हैं और फिर क्या होता है, जितने भी अनवांटेड मटीरियल्स हैं वो हमारे मेन ग्रेन से अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट इज विनोइंग। वॉट इज नोन एज विनोइंग? विनोइंग आपको पता है विंड की मदद से होता है। ये देखो, अनाज को ऊपर से नीचे गिराते हैं और विंड जिस डायरेक्शन में विंड आता है, या तो उसके सामने या फिर तो आगे फैन लगाते हैं। तो देखो, ग्रेन्स हेल्दी और हैवी हैं तो ये नीचे सेटल हो जा रहे हैं यहाँ पे ग्रेन्स, और जो हस्क है, जो भूसा है, वो दूसरी जगह सेपरेट हो जा रहा है, जिससे हमारा मेन ग्रेन से, हमारे मेन ग्रेन से जो अनवांटेड हस्क है वो अलग हो जाता है। अब इस हस्क का यूज़ भी किया जाता है फॉडर के लिए, जानवरों को, कैटल्स को फॉडर फीडिंग कराने के लिए यूज़ किया जाता है। तो दोनों ही चीज़ें अलग अलग हो गई, जिससे हम आसानी से दोनों का यूज़ कर सकते हैं। सो वॉट इज़ विनोइंग? विनोइंग इज़ यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाई विंड और बाई ब्लोइंग एयर। विनोइंग क्या है? हैवियर और लाइटर। हैवियर क्या है? ग्रेन्स। लाइटर क्या है? हस्क। इनको अलग करने पे, इनके मिक्सचर में से अलग करने के लिए विनोइंग यूज़ होता है, जो कि विंड की मदद से होता है। जिधर विंड, जिधर से हवा आती है उसी डायरेक्शन में रखते हैं, जिससे हवा आए और उनको लाइटर पार्टिकल्स को हैवियर पार्टिकल्स से अलग कर दें। दिस मेथड इज़ कॉमनली यूज बाई फार्मर्स टू सेपरेटिंग लाइटर हस्क पार्टिकल फ्रॉम हैवियर सीड्स। ये मेनली किसानों के द्वारा यूज़ किया जाता है, जिससे जो हस्क है, भूसा है, वो मेन ग्रेन से, हैवियर ग्रेन से आसानी से अलग हो सके। द हस्क पार्टिकल्स आर कैरीड अवे बाई द विंड। जो हस्क पार्टिकल्स है विंड की मदद से अलग हो जाते हैं। द सीड्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फ्रॉम अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म ऑफ विनोइंग। जो हस्क है वो अलग हो जाते हैं और एक हीप सा, मतलब एक झुंड सा, देखो यहाँ भूसे का बन गया है विंड की मदद से। द सेपरेटेड हस्क इज़ यूज फॉर मैनी पर्पज सच एज फॉडर ऑफ कैटल। अभी बताया कि ये जो सेपरेटेड हस्क है, जो भूसा है, वो जानवरों को खिलाने के, उनके फूड के रूप में, फॉडर के रूप में यूज़ किया जाता है। तो दोनों का ही अलग अलग यूज़ है। अगर ये आपस में मिक्स रहते तो इनका यूज़ प्रॉपरली नहीं हो पाता, इसीलिए विनोइंग की मदद से इन्हें अलग अलग कर लिया गया और ग्रेन्स का यूज़ हम करते हैं और हस्क का यूज़ एज अ फॉडर कैटल के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज सीविंग। सीविंग, दिस इज़ अ फिगर ऑफ द सीविंग इन अ फ्लोर मिल। फ्लोर मिल्स जो आटा है, इम्प्योरिटीज लाइक हस्क एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम व्हीट बाय ग्राइंडिंग। मिल में जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, हस्क या स्टोन है, उन्हें रिमूव कर दिया जाता है गेहूँ में से ग्राइंड करने के बाद। यूजुअली अ बैग फुल ऑफ व्हीट इज पोर्ड ऑन स्लैंटिंग सीव। देखो, ये सीव में डाल दिया गया, चलनी में, आपने घरों में भी देखा होगा, चलनी में डाल देते हैं। सीविंग रिमूव पीस ऑफ स्टोन, जो इस, अब इस फ्लोर में स्टोन के पीसेस हैं या अनवांटेड हस्क है, भूसा है, वो क्या होता है, अलग हो जाता है। दैट मे स्टिल रिमेन विथ वीट आफ्टर हार्वेस्टिंग, जो कि हार्वेस्टिंग के बाद, विनोइंग के बाद भी बच जाते हैं, फ्लोर के साथ आ जाते हैं, उन्हें ये सीव जो है वो अलग कर देते हैं। क्या आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन साइट पे कि जहाँ बालू या सीमेंट का यूज़ होता है, वहाँ भी एक बहुत बड़ी सी चलनी होती है जिसे सैंड को चाल दिया जाता है, ठीक है, और सारे अनवांटेड पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं। सिमिलर सीव्स आर यूज एज कंस्ट्रक्शन साइट टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन फ्रॉम द सैंड। देखो, इस सैंड में से अनवांटेड पेबल्स और स्टोन्स को अलग कर देते हैं। नेक्स्ट इज सेडिमेंटेशन, डिकंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। दीज आर ऑल्सो मेथड ऑफ सेपरेशन। ये भी सेपरेशन के कुछ मेथड्स हैं। सम टाइम इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाई विनोइंग एंड हैंड पिकिंग। कभी कभी जो है पॉसिबल नहीं होता है कि हैंड पिकिंग और विनोइंग के द्वारा सारे पार्टिकल्स अलग हो जाए। तो जब लिक्विड में कुछ मिक्स होता है तो उन्हें कैसे अलग करते हैं, चलो देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज़, हो सकता हो हस्क के बाद, विनोइंग के बाद और पेबल्स निकालने के बाद कुछ पार्टिकल्स इतने हल्के होते हैं कि वो अभी भी अलग नहीं हुए होते हैं।
पार्टिकल्स इन राइस और पल्सेस. राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग. देखो बीनते हैं पहले, फटकते हैं, विनोइंग क्रशिंग तो होके ही हमारे घर में आना जाता है. उसके बाद भी मम्मी लोग कई बार उसे सूप में रख के फटकती हैं, फिर हम क्या करते हैं, फिर उसमें से हैंड पिकिंग करते हैं. उसके बाद भी कुछ इतने हल्के पार्टिकल्स रह जाते हैं, डस्ट रह जाता है, कि हम खाना बनाने से पहले उन्हें क्या करते हैं, अच्छी तरह से वॉश करते हैं. When you add water to these, the impurities like dust and soil particles get separated. These impurities go into water which becomes a little muddy. क्या करते हैं, जैसे पानी में हम चावल डालते हैं, उसे मिक्स करते हैं, तो impurities, देखो वाइट वाइट हो जाता है चावल, वो एक मड की तरह इकट्ठी हो जाती है. और हमने जो lighter part, heavier particles है अनाज, वो नीचे सेटल हो जाता है, उसे अलग कर लेते हैं और पानी को गिरा देते हैं. Now next is when the heavier component in a mixture settles, after is added to it, the process is called sedimentation. जैसे आपने चौक या आपने सैंड पानी में मिलाया, उसे स्टायर करते रहे, मिलाते रहे मिलाते रहे, तो वो मिक्स हुआ दिखता है. जैसे आप छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए, तो आप देखेंगे कि जो सैंड है वो नीचे सेटल हो जाता है और पानी ऊपर अलग हो जाता है. तो जो सैंड नीचे सेटल हो जाता है, इसी प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं. When the water along with the dust is removed, the process is called decantation. अब ऊपर वाले पानी को अगर हम सावधानी से दूसरे कंटेनर में डाल दें, तो इस प्रोसेस को decantation कहते हैं. The same principle is used for separating a mixture of two liquid that do not mix with each other. For example, oil and water from their mixture can be separated by the process. यही मेथड सेडिमेंटेशन और डिकंटेशन हम उन दो मिक्सचर को भी अलग करने में यूज़ करते हैं, जिसमें दोनों आपस में प्रॉपरली मिक्स नहीं होते. देखिए आप पानी और तेल को मिक्स करिए, तो तेल ऊपर फ्लोट कर जाता है और पानी नीचे आ जाता है. तो अगर हम धीमे से दूसरे कंटेनर में डाल दें, तो तेल अलग और पानी अलग हो जाएगा. तो इसे क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन. सेडिमेंटेशन मीन्स नीचे सेट होना और पानी को अलग करना, डिकंटेशन. If a mixture of such liquid is allowed to stand for some time, they form two separate layers. The component that forms the top layer can be separated by decantation. और जो टॉप लेयर पे कलेक्ट हो जाता है, जैसे तेल हल्का है वो ऊपर कलेक्ट हो जाता है, तो उसे हम धीमे से दूसरे कंटेनर में डाल लेते हैं और इस प्रोसेस को decantation कहते हैं. Now last is filtration. The mixture of insoluble solid and liquid can be separated by the process of filtration. In if water is muddy, impurities can be separated by a filter that have even smaller pores. A filter paper is used such water that has very fine pores. देखा आपने फिल्टर पेपर से पानी को छान लेते हैं, आपने अपने घरों में देखा होगा फिल्टर लगे होते हैं, उनमें छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, जो अगर पानी में अब भी स्मॉल पार्टिकल्स, डस्ट या स्मॉल पार्टिकल्स मिले हैं, तो ये फिल्टर पेपर उन्हें अलग कर देते हैं, जिससे पानी अलग और डस्ट पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं. तो इस प्रोसेस को फिल्ट्रेशन कहते हैं, जब फिल्टर की मदद से छान लेते हैं. तो आपको हैंड पिकिंग, सेडिमेंटेशन, डिकंटेशन, फिल्ट्रेशन, थ्रेशिंग, विनोइंग, ये सारे मेथड जो हैं वो सेपरेशन के हैं. इस लेक्चर में इतना ही. अगले लेक्चर में हम बाकी के टॉपिक्स पढ़ेंगे. तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू. विल मीट सून इन द नेक्स्ट.